अल्हम्दुलिल्लाह सोलर ले आए थे और अब ये सोलर पर ही चल रहा है सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप सब लोग होंगे ठीक। अच्छा जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में जो है ना, जैसे मेरे आप हालत देख रहे हैं, यही वाली हालत चाहिए थी, क्योंकि हम लोग जो है ना चावल की फसल काश्त करने लगे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे काश्त करते हैं। उसमें तो फिर बुरी हालत हो जाती है, वो तो आप थोड़ी देर में देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर करते हैं हम आज की रूटीन शुरू। अच्छा जी, चावल की फसल की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसा कि आपको मैं पहले बताया करता था कि काफ़ी ज़्यादा बिल आते हैं, बिलों का इशू था कि बिजली पर चलती थी मोटर, तो अब इसको जो है ना हमने सोलर पर कन्वर्ट कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर ले आए थे और अब ये सोलर पर ही चल रहा है सिस्टम। मैं खैर आपको दिखाता हूँ, इस तरफ छत पर पड़ा है सिस्टम, तो वो जो है ना ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देख सकते हैं बाकी पानी वगैरह जो है ना वो बेहतरीन, जैसे पानी बिजली पर आता था उसी तरह आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ से बीज पाट रहे हैं, तो जनाब बीज पाट लेते हैं और इसके बाद जो है ना मैं आपको लेके चलता हूँ उस तरफ जहाँ पर फसल काश्त करनी है। अच्छा जी, फाइनली सुबह तकरीबन 10 बजे के हम लोग आए हुए थे चावल की फसल लगाने के लिए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एंड तक लगा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वाले में भी थोड़ी सी लगाया है, लेकिन जो है ना अभी 2 बजे का दिन का टाइम हो चुका है, तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इंशाल्लाह ये कल लगाएंगे। अभी छुट्टी की है, लेकिन यहाँ तक जो है ना लग गया है। आप इस बंदे की मेहनत देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये किस कदर मुशक्क़त वाला काम कर रहा है। हालांकि ये जो काम है ना, ये ट्रैक्टर के साथ करवाया जाता है, मैंने भी ट्रैक्टर के साथ ही करवाया था, लेकिन किसी वजह से ट्रैक्टर दस्तियाब नहीं था, तो ये जो है ना खुद ही बेचारा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये सारी जगह आप देखें, यहाँ पर इसने काम कर लिया है, लकड़ी वगैरह है जो ये मतलब इसमें मतलब ले के फेर रहा है, जिससे जो है ना ये सारे जो रोड़े वगैरह नज़र आ रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, और जो है ना चावल की फसल उसे लगाने के लिए ये रोड़े वगैरह जो हैं इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर मेहनत कर रहा है ये बंदा, काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी है, इसके बावजूद वो अपना जो काम है ना वो कर रहा है।